मैं हूं अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूं आप सभी का इंसाफ की आवाज में। आइए नजर फेरते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ईसाई समुदायों ने प्रभु यीशु मसीह के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष में ईस्टर संडे मनाते हुए गिरजाघरों में प्रार्थना सभा की, वही कब्रिस्तान में फूल माला चढ़ाकर पूर्वजों को याद किया। आपको बता दें कि ऐसी मान्यता है कि प्रभु यीशु को शुक्रवार को सूली पर चढ़ाने के बाद वह पुनः तीसरे दिन जी उठते हैं, जिसको लेकर शहर के विभिन्न गिरजाघरों में शनिवार के देर रात के बाद से तैयारियां शुरू कर दी गई थी। वही गिरजाघरों में प्रभु के पुनर्जीवित होने के खुशी में प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया। इसके लिए कहा जाता है कि प्रभु के पुनर्जीवित होना बुराई पर अच्छाई की जीत है। वहीं इस उपलक्ष्य में काफी संख्या में मसीह समाज के लोग शहर के विभिन्न ईसाई कब्रिस्तानों में जाते हैं, जहां अपने पूर्वजों की कब्रों पर फूल, अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाकर उन्हें याद करते हैं। वहीं उन्हें और उनके परिवार को बुराई की राहों से दूर रखते हुए परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। अरे वो निशान के लिए करता है कि ये वाला सब करना है। कैंडल डाल दे बेटा। आज हम मसीह भाइयों के लिए बहुत पवित्र दिन में इसको माना जाता है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह जिनको उनके दुश्मनों ने सूली पर जब चढ़ाया था गुड फ्राइडे के दिन, और आज के दिन ही जी उठे थे, जिनके तिथि के उपलक्ष्य में हम लोग उनकी आराधना करते हैं और हमारे पूर्वजों को हम लोग इसी दिन याद करते हैं और उनके कब्र पर हम लोग माला अर्पण करते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यही संपन्न होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि देश विदेश से जुड़ी हर खबरें सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।